नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर के नियमित पूर्व छात्र एवं सहपाठी अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा फॉर्म 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी विज्ञप्ति, परीक्षा शुल्क एवं ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एग्जामिनेशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एग्जामिनेशन पोर्टल का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। नोटिफिकेशन 3/7/2021 रिगार्डिंग मेन एग्जाम फॉर्म 2021 ऑनलाइन फिलिंग इंक्लूडिंग सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड एंड फाइव फी शेड्यूल ऑफ 2021 एग्जाम फॉर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 3/7/2021 विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2021 के परीक्षा आवेदन पत्र नियमित पूर्व छात्र एवं सहपाठी अभ्यर्थी हेतु वेबसाइट www.mdsuexam.org तथा mdsuexam.net पर ऑनलाइन प्रक्रिया से निम्नलिखित तालिका के अनुसार भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। कोविड महामारी के दृष्टिगत आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी अपने घर पर रहते हुए उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से घर पर रहकर ही किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को अपने घर पर रहते हुए ही पूर्ण करें। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कोरोना महामारी से संबंधित जो दिशा निर्देश अनुशासन प्रोटोकॉल जारी किए जाते हैं, वे सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे इनकी पालना करें। कक्षाएं एवं बिना विलम्ब शुल्क आवेदन की तिथि। स्नातक परीक्षाएं पास या ऑनर्स भाग प्रथम द्वितीय एवं तृतीय के नियमित पूर्व छात्र एवं सहपाठी छात्र यथा BA, BCom, BSc, BSc गृह विज्ञान, BSc IT, CS नेचुरोपैथी, बायो टेक, BCA, BA एडिशनल, BSc BEd, BA BEd, RIE ऑनली, BPed एनुअल स्कीम, BBA एनुअल स्कीम के नियमित एवं पूर्व छात्र, समस्त स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध कोर्स के नियमित पूर्व छात्र एवं सहपाठी छात्र यथा MA, MCom एवं समस्त डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम। विश्वविद्यालय परिसर में संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड फाइव के नियमित एवं पूर्व छात्र। बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन की जो तिथियां हैं यहां निर्धारित की गई है 3/7/2021 से 20/7/2021 तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उपरोक्त वर्णी सभी परीक्षाओं के प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी दो प्रतियों में संबंधित महाविद्यालय अथवा केंद्र अथवा विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन क्रमांक अपने पास लिखकर रख लें। इसके आधार पर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी बाद में छापने हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। फिलहाल परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तिथि बाद में घोषित की जाएगी। उपरोक्त वर्णी सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र की विश्वविद्यालय प्रति में सभी संलग्नों की जांच पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि
बाद में घोषित की जाएगी। तो फिलहाल अभी एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है अपने पास में सुरक्षित रखनी होगी। उपरोक्त वर्णित कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के आवेदन पत्र भरने हेतु सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, अपितु यथाशीघ्र आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। निर्धारित अवधि के पूर्व तथा पश्चात फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। नियमित एवं पूर्व छात्र संबंधित महाविद्यालय में तथा स्वयंपाठी छात्र संबंधित परीक्षा केंद्र पर वांछित दस्तावेज यथा परीक्षा आवेदन पत्र, नामांकन एवं पात्रता पत्र की हार्ड कॉपी में अर्हता परीक्षा की अंक तालिकाएं आवश्यक रूप से जमा करावें। अभ्यर्थी द्वारा जिस महाविद्यालय से आवेदन पत्र अग्रेषित करवाया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसी अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाए। विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र आवंटन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। नोट, परीक्षा सत्र 2020 से 2021 हेतु विज्ञान संकाय के बीएससी पाठ प्रथम एवं द्वितीय में स्वयंपाठी अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन छात्रों ने वर्ष 2020 की पूरक परीक्षाएं सप्लीमेंट्री एग्जाम हेतु आवेदन किया है तथा जिनके पूरक परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, वे मुख्य परीक्षा 2021 हेतु अभी आवेदन नहीं करें। आवेदन करने की स्थिति में उन्हें परीक्षा शुल्क लौटाए नहीं जाएगा। ऐसे छात्रों को पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत वर्ष 2021 की परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अवसर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षार्थी मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा मूल अंक तालिकाएँ भी संलग्न करें। तो यहाँ जो RBC बोर्ड है के अतिरिक्त जो बोर्ड है उनके लिए यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित पूर्व एवं स्वयंपाठी जो परीक्षा 2021 में स्नातक परीक्षा की प्रथम भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको परीक्षा वर्ष 2021 के प्रथम भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अन्य अनिवार्य विषयों के साथ हिंदी व अंग्रेजी दोनों अनिवार्य विषयों की परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित पूर्व एवं स्वयंपाठी जो परीक्षा 2021 में स्नातक परीक्षा के द्वितीय भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको परीक्षा वर्ष 2021 के द्वितीय भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अन्य अनिवार्य विषयों के साथ पर्यावरण विज्ञान के अनिवार्य विषय की परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। जो छात्र परीक्षा वर्ष 2021 में स्नातक पाठ द्वितीय तृतीय में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको भी अनिवार्य विषय बकाया है उनको जो अनिवार्य विषय बकाया है उन्हीं की परीक्षा देनी होगी। स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय तथा 3 प्रायोगिक विषय चयन करने की अनुमति नहीं है। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी: लाइव स्टॉक एवं डेयरिंग, टेक्सटाइल ड्रॉइंग एंड प्रिंटिंग, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं मनोविज्ञान। स्वयंपाठी पुरुष परीक्षार्थियों को गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्नातक कला वर्ग के स्वयंपाठी छात्र प्रायोगिक विषय का चयन करने पर आवेदन भरते समय उनकी महाविद्यालय का चयन कर जहां यह विषय नियमित छात्रों हेतु उपलब्ध हो, उक्त तालिका में वर्णित परीक्षाओं के अतिरिक्त परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन आरंभ होने की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश तथा स्नातकोत्तर हेतु दिशा निर्देश का अवलोकन करें। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिनसे हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करेंगे हम परीक्षा शुल्क के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 2020 से 2021 हेतु परीक्षा शुल्क सारणी। एग्जामिनेशन फी फॉर सेशन 2020 से 2021 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस BA, BSc, BCom, पास कोर्स, BPED पार्ट फर्स्ट प्रथम, BSc होम साइंस, BSc
नेचुरोपैथी एंड योगिक पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के लिए रेगुलर एक्स स्टूडेंट एंड नॉन कॉलेजिएट रेगुलर के लिए 1090 रुपये हैं, एक्स स्टूडेंट के लिए 1330 रुपये, नॉन कॉलेजिएट के लिए यहाँ 1940 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से पार्ट सेकंड विथ ड्यू पेपर और पार्ट प्रथम रेगुलर के लिए 1820 रुपये हैं, एक्स स्टूडेंट के लिए 2120 रुपये, नॉन कॉलेजिएट के लिए यहाँ 2490 रुपये। इसी तरह से बीए पार्ट थर्ड के लिए रेगुलर 1570 रुपये हैं, एक्स स्टूडेंट के लिए 1820 रुपये एंड नॉन कॉलेजिएट के लिए 2540 रुपये। पार्ट थर्ड एंड बीए एडिशनल पार्ट थर्ड एक्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 1820 रुपये हैं, नॉन कॉलेजिएट के लिए 2540 रुपये। इसी तरह से पार्ट प्रथम सेकंड और थर्ड विथ ड्यू पेपर्स के लिए रेगुलर 2120 रुपये हैं, एक्स स्टूडेंट 2430 रुपये हैं और नॉन कॉलेजिएट के लिए 2850 रुपये। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बीसीए के लिए, बीबीए के लिए, बीएससी बीएड, बीए बीएड पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड की जो फीस का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। फी पेबल फॉर पीजी कोर्सेज के लिए तो यहाँ पर एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस फाइनल ड्यू पेपर और फाइनल ईयर ओनली विद ड्यू पेपर ऑर्डिनेंस एलिमेंट्री है ईच पार्ट के लिए यहाँ पर रेगुलर एक्स स्टूडेंट एंड नॉन कॉलेजिएट के लिए जो फीस है इस प्रकार निर्धारित की गई है। इन एडिशन टू एग्ज़ाम फी 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट इज टू बी चार्ज्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट फीस फ्रॉम रेगुलर एक्स नॉन कॉलेज कैंडिडेट विद नंबर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो हमें यहाँ चुकाना होगा। इसी तरह एग्ज़ाम फीस फॉर कोर्सेज सेमेस्टर स्कीम के लिए तो अंडर ग्रेजुएट के लिए ऑल पीजी सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ एमफिल के लिए यहाँ पर जो फीस का निर्धारण किया गया है। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पर 610 रुपये रेगुलर नॉन कॉलेज अटेंड रेगुलर के लिए रखी गई है। इस PDF फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने के संदर्भ में। स्टूडेंट पैनल दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। एग्जाम फॉर्म 2021 दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फी शेड्यूल फॉर एग्जाम फॉर्म 2021 नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फॉर एग्जाम फॉर्म 2021 अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2020 से 2021 रिप्रिंट एग्जाम फॉर्म रिप्रिंट रिसिप्ट एग्जाम फॉर्म नो योर चालान या फॉर्म नंबर चेक चालान पेमेंट स्टेटस अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2020 से 2021 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट अंडर ग्रेजुएट पीजी अदर कोर्सेज सेलेक्ट क्लास फैकल्टी टाइप सेलेक्ट क्लास फॉर एग्जाम फॉर्म सेलेक्ट कॉलेज एंड सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। सबसे पहले हमें कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा जिसमें रेगुलर एक्स स्टूडेंट एंड एनसी स्टूडेंट को हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नियमित विद्यार्थी है तो नियमित को सेलेक्ट करें, एक्स स्टूडेंट है तो एक्स स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात यूजी पीजी को हम यहां से सेलेक्ट करेंगे जिसमें सेमेस्टर है अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल एलएलबी पीजी और एजुकेशन में जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो एजुकेशन को सेलेक्ट करेंगे यहां पर हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात हमें आर्ट्स बीएससी बीकॉम डिप्लोमा अगर हम यहाँ पीजी सेलेक्ट करते हैं तो पीजी में हमारे यहाँ एमए प्रीवियस एमए फाइनल एमएससी प्रीवियस डिप्लोमा एलएलएम आदि के। इसी तरह से एजुकेशन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एजुकेशन यहाँ भी स्टार्टिंग नहीं है तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आर्ट्स। इसी तरह से एग्ज़ाम फॉर्म को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड एडिशनल तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कॉलेज का नाम आएगा, हम कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, जो कॉलेज आपके पास में है उसे कॉलेज का नाम यहाँ हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग जो जिले हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अगर अजमेर में है तो आप अजमेर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन यहाँ रहेगा, इसके पश्चात फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने ऑप्शन रहेगा जहाँ पर हमें ईयर्स, ट्वेल्थ क्लास पासिंग ईयर्स को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात हमें ट्वेल्थ बोर्ड के जो यहाँ पर आरबीसी बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, अगर आपने कक्षा 12वीं आरबीसी बोर्ड से पास की तो आरबीसी को सेलेक्ट करें, अगर अदर बोर्ड से हैं तो आपको अदर बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रोल नंबर पूछेगा, रोल नंबर फिल करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अदर बोर्ड पर क्लिक करेंगे और फिल फ्रेश एग्जाम फॉर्म दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टेप फर्स्ट ओपन हो जाएगा, जहां पर हम अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, हस्ताक्षर साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड चूज फाइल जिसमें हमें फ़ोटोग्राफ है एंड JPG जो फॉर्मेट में है, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर देंगे। इस तरह से हम एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के संदर्भ में विस्तारपूर्वक वीडियो हम नेक्स्ट एक दो दिन में जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इन सभी PDF फाइलों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया, इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दिया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए MDSU व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। इसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करने के पश्चात ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचाए जा सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहें RBSE वेद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।